तुमसे एक फिर से स्वागत है स्काई फैक्ट्री में। और इस बार मैं अपना शक्ल दिखा के वो पुरानी बकचोदी नहीं करने वाला जिसे कहते हैं इंट्रो देना। मैं इस बार इंट्रो थोड़ा अलग से दूंगा और इसलिए मैं बोलने वाला हूँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कैसा लगा मेरा मजा? मैं उसके पे कुछ भी नहीं बोलने वाला सिवाय अपने ऑब्जेक्टिव के। आज मैं बनाने वाला हूँ या फिर बनाने की तैयारी करने वाला हूँ एक एंजल चार्म जिसके लिए मुझे लगने वाले हैं 4 इलाइट्रास। और इसके लिए मुझे थोड़े बहुत तैयारी करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चार्म भी बनाने वाला हूँ जो होगा पोषण चार्म। आई होप कि वो मुझे सारे के सारे पोषण के इफेक्ट दे दे, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च मारते हैं चार्म, कितने टाइप के चार्म होते हैं वो भी देखने पड़ेगा। ओ भाई साहब, इतने सारे चार्म होते हैं क्या? 5 चार्म होते हैं पूरे। पहला है पावर चार्म जो बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे देगा क्या, मुझे घंटा ना घंटा कुछ पता है, लेकिन मैं बनाने वाला हूँ ये, आज मैं बनाऊंगा। इसके बाद आता है पोषण चार्म जो मुझे बिल्कुल बनाना है। और फिर आता है मॉब चार्म जो बनाना एकदम मुश्किल नहीं है। फिर है डेथ चार्म और जो मैं आज नहीं बनाने वाला क्योंकि इसका एक भी चीज मेरे पास नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पावर चार्म से, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्लॉक ऑफ नेदरराइट और थोड़े चाहिए गोल्ड के ब्लॉक। नेदरराइट स्क्रैप सिर्फ 40 ही आ पाएंगे। चलो नेदरराइट आ गया एक, 40 ऐसे कहता है ना हिंदी में ऐसे, हाँ। और एक आ गया ब्लॉक नेदरराइट, बहुत सही। और अब मैं बना सकता हूँ एंजल चार्म, यस। चलो अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। इसका ये एक बॉबल है तो फुल ब्लॉक पे जाऊंगा फिर ट्राई करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि नीचे का कोई भी स्लैब जस्ट गायब हो जाए अपने आप। वो पावर चार्म इतना कुछ देगा मुझे? और क्या ये मेरे रिंग को हटा दिया? चलो अच्छा ही नहीं हटाया। ओ भाई सारे पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव मुझे तो मिल गया। लेट्स गो भाई, देखो पावर, देखो मेरा कितना सही है पावर चार्म। पावर चार्म से मुझे इतना कुछ मिल गया तो पोषण चार्म से मुझे क्या मिलने वाला है, सोचो एक बार। नेक्स्ट है मॉब चार्म। मॉब चार्म था क्या था, जो भी था मेरे पास हर एक सामान है तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। और नेक्स्ट आता है पोषण चार्म। पोषण चार्म के लिए चाहिए डायमंड का ब्लॉक, थोड़े ब्लेज रॉड और नेदर वॉल्ट। ठीक है, आई होप कि मैं दो दो चार्म एक साथ पहन सकूं। अगर नो वो अगर नहीं कर पाया ना बहुत बुरा लगेगा मुझे। देखते हैं कर पाता हूं कि नहीं, नहीं कर पाऊंगा, बहुत सही। निकी ये मुझे देगा क्या? पोषण चार्म कर क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये मुझे कोई भी एक नेगेटिव पोषण के इफेक्ट से बचाएगा? Really, nigga? ये ऐसा है तो मेरे पास कुछ टेस्ट करने के लिए है जो कि एक पॉइजन का पोशन। अगर मैं ये पी लूं तो क्या मुझे पोशन नहीं मिलने वाला ऐसा कुछ? नहीं मिल रहा है। और अचानक से मुझे एक स्ट्रेंथ का पोशन मिलना शुरू हो गया। व्हाट द हेल, स्ट्रेंथ का पोशन चला गया। अगर मैं दोबारा से एक पोशन अगर अपने हाथ में ले लूं तो ये हो क्या रहा है? Somebody please explain. ये मुझे पूरे 2 मिनट तक देता ही जाएगा पॉइजन 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 साले। पोशन के चांस से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ या फिर मुझे फायदा समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं पावर के चार्म से काम चलाऊंगा अभी के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा मॉब चार्म। मॉब चार्म के लिए क्या क्या चाहिए? मॉब चार्म के लिए चाहिए फर्मेंटेड स्पाइडर आई। ये मशरूम मुझे कहाँ से मिलेगा? एक बहुत ही मजे की बात देखोगे तुम लोग, मैं लिटरली एक शुगर किन को यहाँ से खरीद सकता हूँ और मुझे यहाँ पता चला। और पिछले भी मैंने मेहनत किया था अपने डर्ट को, गन पाउडर और एक घास टीयर। घास टीयर तो बहुत ही आसान है, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये आ गया मॉब का चार्म। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, प्लीज डोंट टेल मी कि ये भी बाकी की तरह कुछ नहीं करता जस्ट। क्या इससे क्या मुझे कोई भी मॉब हानि नहीं पहुंचाएगा क्या, ऐसा कुछ होगा क्या? ये क्या था, मेरा रीजनरेशन क्या होगा, बंद हो गया मेरा रीजनरेशन? वेट अ मिनट, मॉब के आसपास रह रहा तो मुझे रीजनरेशन मिल रहा है फॉर सम रीजन। और उन्हें मार रहा हूँ तो क्या फिर भी मिल रहा है? तो उन्हें मारने के बाद मिल रहा है क्या? मुझे लगता है कि मैं जितने मॉब्स को मारता हूँ ना ये मुझे उतना रीजनरेशन देता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इतनी देर तक मैं मार रहा था तो मुझे इससे कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि ये ऐसा कुछ काम करता है। शायद जितना मैं रीजनरेशन मुझे मिल रहा है वो मुझे मॉब चार्म के वजह से मिल रहा है। ठीक है, ओए मारेगा तो नहीं ना? अरे मारेगा यार, ये क्या, ये मेरे लिए मेरे साइड में मॉब चार्म ये की कहाँ पे, किसके साइड पे ये? मुझे लगता है कि ये यूज़ करना मेरे लिए, मेरे सेहत के लिए एकदम ठीक नहीं है। मतलब देखो ना जस्ट, ये मेरे आंखों के सामने ये अभी एक विदर स्केलेटन को स्पॉन कर दिया। ये जरूर इस मॉब चार्म का कर्स होगा। वो देखो वहाँ पर एक और है निकल। हाँ ये मॉब चार्म ना एकदम सेफ नहीं है, इसलिए मैं उतार के ये वाला कर लेता हूँ, ये ज़्यादा सेफ है मेरे लिए। हमारा नेक्स्ट चार्म क्या होने वाला है फिर? नेक्स्ट चार्म होने वाला है डेथ चार्म जो मैं नहीं बना सकता। मैं 3 चार्म बना लिया आज जो कि
काफी हद तक मेरे काम में आया। पोषण चार्म तो भूल ही जाओ, किसी काम का नहीं है। पावर चार्म काफी अच्छे से काम आया और मॉब चार्म एकदम बेकार है, तो उसे कभी यूज मत कर। अब आता है एंजल चार्म, जिसके लिए मैं ये एपिसोड आज बना रहा हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारे तैयारी करने की जरूरत है। ओके, मुझे बहुत सारे एंड चेस्ट की जरूरत पड़ने वाला है, और इसके लिए मेरे पास ऑब्सीडियन भर भर के है, और 6 के 6 एंड चेस्ट बना लूंगा। ठीक है, ऐसे 6 मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ, मुझे इससे ज्यादा भी लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है, आई डोंट नो। और क्या जरूरत पड़ने वाला है, और मुझे थोड़े रिंग की जरूरत पड़ने वाला है, जो कि होगा कहाँ गया रिंग मेरा, हाँ ये रहा, इस वाले रिंग का, स्लो फॉलिंग का। आर्मर का हालत देख के तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसे, इसीलिए मैं काम करूंगा, मैं पहले से रिपेयर करूंगा, और उसके लिए मुझे नेदरराइट इंगट फिर से चाहिए। क्या मेरे पास कुछ इंगट है? ओ 4 इंगट है, चलो अच्छा है, अब मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा फालतू का। चलो मेरा आर्मर बन के तैयार, पहन लेता हूँ। इसके लिए तो मुझे जरूरत पड़ने वाला है नहीं, तो इसे वापस रख दो। थोड़े से मुझे स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ने वाला है, मैं वो जस्ट भूलने वाला था, क्योंकि वहाँ पे मुझे डायरेक्टली एंड शिप पे जाना पड़ेगा। मैं एंड सिटी पे नहीं जाने वाला, बल्कि एंड सिटी के जो शिप है वहाँ पे जाऊंगा डायरेक्टली। हाल ही मुझे 100 ब्लॉक्स तोड़ने का एक कमेंट आया था, तो क्यों ना एक एपिसोड पे ऐसा भी किया जाए कि मैं 100 ब्लॉक्स तोड़ूंगा। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लेट से आएगा निकल, एक बार ट्राई करता है, काफी मुझे फन जैसा लग रहा है। चलो बकचोदी बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपने जिंदगी में, सफर पे। मुझे स्पीड से ज्यादा लगाव तो है नहीं, क्योंकि ये मुझे कभी भी गिरा सकता है, वहां पे मैंने अभी तक कोई गार्ड नहीं दिया, आई नो। ओ हाँ, तुम लोगों को तो मैंने बताया नहीं कि मैं इतने सारे इंचेस का करूंगा कैच। वेल, इसका एक रीजन है कि एज यू नो कि मेरे पास अभी वो चीज नहीं है, क्या कहते हैं, सिल्क टच। इसीलिए मैं वहां पे जो भी जितने भी इलेक्ट्रा मुझे मिलेंगे वहां पे मैं एक इंचेस बिठा दूंगा, तो क्या होगा कि मैं उसके अंदर इलेक्ट्रा रखूंगा और घर पे जो मेरा इंटरेस्ट है उसके वहां पे टेलीपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो अगर मैं या फिर मुझे कुछ हो जाए या फिर इंटरेस्ट को कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट मेरे इलेक्ट्रा को कुछ नहीं होने वाला, वो सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे करके मैं अपने आर्मर्स को भी ऐसे करके ठीक कर सकता हूं। लेकिन मेरे आर्मर का बैंड बजा कर रहे हैं ये हरामी एंडरमैन, ये क्या मतलब इस चीज का है। थोड़े बहुत ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूं पहले, चलो थोड़े ब्लॉक के जगह बहुत ज़्यादा ब्लॉक ले लिया, सो व्हाट। अब थोड़ा सा ब्रिजिंग का काम करना पड़ेगा मुझे। चलो वहाँ तक तो ये पहुँच गया, अब देखते हैं ऊपर जाके। अपने एंडर पर्ल को यहाँ पे रखो, ज़रूरत पड़ा तो ही मैं करूँगा काम, एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगा। ओह बाप रे, लगा कि मैं गिरूँगा नीचे, निकल बच गया। अब मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट को पूरा नोट करके रखना पड़ेगा ताकि मैं खो ना जाऊँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा ब्रिजिंग करना पड़ेगा। फक, चलो थोड़ा ब्रिजिंग कर लिया ताकि मैं तब वापस आऊँगा तब। ओ पास ही, बहुत पास पास है इंडर सिटी कह रहा हूँ, हैं तो बहुत सारे पास पास है। और थोड़े ना फ्रूट भी ले लूँगा मैं, मुझे याद नहीं है कि मैं फ्रूट में वहाँ से ले सकता था कि नहीं, खरीद सकता था कि नहीं, लेकिन लेने में क्या जा रहा है किसी का। पास की सिल टच होता तो वो वाला ले लेता, वहाँ फार्मिंग स्टार्ट कर देता मैं। भाई देख, एक तो मेरे पास मेंडिंग नहीं है, ऊपर से ये तोड़े जा रहे हैं। आ जा, सबको मारूंगा मैं आज। अब उस वाले पे चलते हैं पहले, या इस वाले पे, ये पास लग रहा है, इस वाले पे चलते हैं पहले। चलो मुझे जस्ट शिप वाले पे चलना है, फालतू में नहीं चलना। उस वाले पे शिप है क्या, जिसमें शिप है? हाँ उसमें शिप है, दिख गया मुझे। इसमें शिप मुझे लग नहीं रहा कि है। हमारा पहला इलेक्ट्रो वहीं पे होगा। ओके, अब मुझे काफी ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला, इसलिए फॉर फक सेक मैं थोड़ा सा ब्लॉक्स को फिर से कलेक्ट करूंगा। जाऊं कैसे मैं, कहां से स्टार्ट करूं मैं? चलो ये स्टार्ट करते हैं। कितने ब्लॉक्स हुए? बहुत हो गए। चलो यहां तक तो आ गया, अब देखते हैं बाकी का। यार फिर से नहीं, यार फिर से नहीं, मैं दोबारा ब्रिजिंग नहीं करने वाला, बेकार लगता है मुझे। उसके पीछे आई गेस एक और एंड सिटी है, हाँ एक और एंड सिटी है। वाह बहुत सही, बहुत पास ही मिल गया। ओ एंड शिप भी है, यस दो इलेक्ट्रा ये पे हो गए मेरे। तो अब यहाँ से मुझे स्कैफोल्डिंग बिठाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देख,
ठीक है, ये तो हो गया, इसको अंदर से तोड़ो। ये पिकैक्स कांच को तोड़ने में इतना टाइम लगा दिया, कमाल है यार। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़े पोशन मिलने वाले हैं, जो कि होगा हीलिंग का पोशन, जो मुझे नहीं चाहिए, बेकार है। काम खत्म, पैसा हजम। अब चलो अपने इलेक्ट्रा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चेस्ट बिठाने वाला हूँ। एक और है, कहाँ पे है एक और? रहने दो, यहाँ पे चेस्ट बिठाओ। और यार फ्रेम ड्रॉप हो रहा है क्या? बहुत लग रहा है ऐसे, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। मे बी नहीं, मे बी मेरा बहम है। इसको इसके अंदर रखो सेफली, अब इससे कुछ नहीं होने वाला। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये क्या है? फायर प्रोटेक्शन 3, बेकार। एक्वा एफिनिटी और कर्सो बाइंडिंग है इसके ऊपर लगा हुआ, बेकार। इसके अंदर रियर केस नहीं चाहिए। शार्पनेस 4, अनब्रेकिंग, मेंडिंग ले लेते हैं, मेंडिंग है इसलिए ले लेता हूँ मैं। ये वाला शिप लूटना हो गया, अब नेक्स्ट शिप क्यों चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा ये वाला रिंग ले लूंगा, ताकि मैं नीचे कूद जाऊँ पूरा इजीली, इजी विन हो मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या, उन सारे चेस्ट में भी जो लूट चेस्ट होते हैं उसमें भी क्या मुझे मिल सकते हैं वो काम, क्या कहते हैं, मेंडिंग? मैं उन्हें ऑफलाइन ही लूट लूंगा इससे अच्छा, उन्हें ऑनलाइन लूटने का कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं जो काम करने के लिए आया वही काम करने करके बाद चला जाऊंगा यहाँ से, वो मेरे लिए बेटर रहेगा ज्यादा। चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जो कि है वहां। और मुझे पता है कि मुझे दोबारा से एक बड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगा ही था, दोबारा से ब्रिज बना। Few inches later. चलो, ये ब्रिज भी एकदम कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट ब्रिज। अब इस वाले को रुकते हैं, इस वाले एंड शिप को। अंदर घुस लो। इसके अंदर एक और होगा, मुझे पता है, वो रहा। इट सीम्स लाइक कि ये मुझे उड़ाने की कोशिश भी करे ना, फिर भी नहीं उड़ा सके। क्या भाई, अब वेट करो। चलो, मुझे इससे ये भी मिल गया, अच्छा है। यहाँ पे एक और एंट्रेंस बिठाऊंगा मैं, और सावधानी से अपना वो लूट ले लूंगा। बोला था ना इसके अंदर ही मिलेगा। हाँ, देखते हैं मुझे मेंडिंग मिलता है। नहीं मिला। इस पे मेंडिंग है बट उसके साथ नहीं चाहिए मुझे। ब्लास्ट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेंडिंग है बट स्टिल मुझे नहीं चाहिए। रहने दो, मैं इससे कुछ भी नहीं लेने वाला यहाँ से। नेक्स्ट इन शिप की ओर बढ़ते हैं। ओ, मैं ड्रैगन हेड लेना कैसे भूल रहा हूँ। अरे यार, पिछले वाले में मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। ओ फक यार, यही एक चीज काम करना था जो मुझे नहीं करना था एक्चुअली। आजा आजा आजा, आ गया ना, आ गया। मैं इसे उसी इन चिट्स पे रख के आता हूँ, रुको। चलो, अब मुझे जाना है उस वाले इन शिप पे, उसके साथ हो जाएगा मेरे पास 3 इलेक्ट्राइस। चंक्स कम करने की वजह से सामने वाला एंसिटी जो दिख रहा था अभी, वो अब नहीं दिख रहा। सो आई गेस कि मैं गेस के ऊपर से बोल रहा हूँ कि वो इधर ही था, कहीं तो इधर ही था। लेकिन मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स की इसके साथ जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि दोबारा ब्रिजिंग करने का टाइम आ चुका है। चलो, मैं यहाँ तक भी आ गया, पूरा वहां से ब्रिजिंग कर करके आया हूँ मैं पूरा। आई होप कि मुझे यहाँ भी मिल जाए। ओह, मिल गया। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट शिप की ओर, और ये होगा हमारा 3rd इलेक्ट्रा। यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके, इट सीम्स लाइक कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने। ठीक है, कोई नहीं, ऊपर जगह तोड़ लूंगा। बेबी लेट मी सेव। चलो, 2-2-1-7, बहुत सही। और यहाँ पे एक होगा ना, लगा था मुझे। लेट्स गो बेबी। यहाँ पे एक है, 1 hit 1 kill, दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। ये हो गया हमारा 3rd इलाइट्रा, और ड्रैगन का हेड जरा लेके आता हूँ, वरना बाद में फिर से भूल जाऊंगा मैं। मिल जा। हाँ, चलो मिल गया। चलो, 3 ड्रैगन हेड और 3 इलेक्ट्रा हो चुके हैं। और इस पे क्या है, बेकार चीज। इस पे ये ले सकता हूँ, इस पे थ्रेसिल टच है, ये ले लेता हूँ, ये बहुत कीमती है। फाइनली मुझे एक और एंडसीट फाइनली मिला, और यहाँ पे ये चीज भी मिल गया मुझे। पता नहीं ये किसी काम में भी आएगा मेरा या नहीं। मैं तो मरने के साथ ही मैं घर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे इंटरेस्ट में तो मैं सब कुछ रख दूंगा उसके पहले। और ये इंटरसिटी ना बहुत ही टाइम लिया लिटरली ढूंढने में। मतलब मेरा एक बार वो वाला देखो, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स देखो, कहाँ था मैं, 600 के आसपास, कहाँ पहुँच गया, 2500, मतलब 250 के आसपास पहुँच गया पूरा। इतना दूर आ रहा है यार, ये इतना इरीटेट क्यों करता है, इतना इरीटेट क्यों करता है भोंसड़ी का, है इतना इरीटेशन, क्या क्या आंखों में तो देखा, ज्यादा कुछ तो नहीं किया, इरिटेशन बैंड चल रहा है। तो ठीक है, इन दोनों को पहले मार दूंगा मैं। बढ़िया, एक से मुझे 2 चलकर मिल गए क्या। ओके, यहाँ पे शिप है, और चलो ये वाला आखिरी शिप होगा मेरा,
और इसके बाद घर जाऊंगा मैं, फाइनली घर जाना को मिलेगा मुझे, मर के ही जाऊंगा जरूरी। हे ब्रदर फक ऑफ। क्या वो खुद ही अपने जाल में फंस गया था क्या थोड़ी देर पहले, क्या पता, जो भी है। पहले ये कहाँ से आ रहा है, तू दे रहा है ना हाँ? साले चलो इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे है। और मैं ऑफलाइन में सारा का सारा लूट लूटने आऊँगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं करने वाला। मैं इस पिकेक्स को भी अंदर ही रख देता हूँ, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। और इतने सारे फ्लावर मेरे पास हो चुके हैं, मतलब मैं घर जाके काफ़ी अच्छे से कर पाऊँगा माइनिंग। माइनिंग क्या कह रहा हूँ, फार्मिंग। अबे यार ये हो क्या रहा है, इस मिलियो मिलियो मिलियो, हाँ चलो मिल गया, बच गया बच गया बच गया। अब होगा धमाल निकल, आज नहीं होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। चलो चार इलाइट्रा, चार ड्रैगन हेड के साथ मैं बाकी के दो टांड भी बना सकता हूँ, बना पाऊंगा। और मेरे पास चीजें तो भाई भर भर के हो चुके हैं, ये इतने चीजें अब इसमें भरेंगे भी, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही रख दूंगा चेस्ट में। सो एनीवे लेट्स डाइव टू द डेथ। ये बाय बाय वर्ल्ड, मैं दोबारा मिलना नहीं चाहूँगा तुमसे। चलो आ गया, और मेरे सारे के सारे सामान यहाँ पे हैं, सही सलामत। क्या कहा था गाइस, ये प्लान मेरा ज़रूर काम करेगा, कहा था ना। तो आज के एपिसोड को ये भी खत्म करते हैं, और तुम लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले नई गेमिंग एपिसोड में। पीस।